वेलकम टू ममताज किचन। फ्रेश आज हम बनाएंगे दही वाले आलू की सब्जी। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है और एकदम फटाफट बन जाती है। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं और इसे आप नॉर्मल भी बना सकते हैं। तो इसे आप रोटी, पूरी, पराठा या तो राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। और आप इसे व्रत में बना रहे हैं तो व्रत वाली हम पूरिया या तो पराठे बनाते हैं या तो समक राइस बनाते हैं व्रत वाले, तो इसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। और कोई कोई को ये प्रॉब्लम होती है कि दही फट जाता है सब्जी बनाते वक्त, तो ऐसा ना हो उसके लिए भी मैं आपको टिप्स बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं परफेक्ट टिप्स के साथ दही वाले आलू की सब्जी। दही वाले आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने 3 मीडियम बॉइल्ड आलू लिए हैं। इसे हमने नॉर्मल तरीके से जैसे बॉइल करते हैं वैसे बॉइल कर लिया है और इसके छिलके निकाल लिए है। 1 कप हमने दही लिया है और ये दही एकदम ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दही होना चाहिए। और इसे हमने फेंट लिया है एकदम अच्छे से। तो याद रहे कि दही को हमें फेंट कर ही लेना है। और 2 नंग हमने हरी मिर्च ली है कट करके, हरा धनिया लिया है और करी पत्ता लिया है। तो गैस पर हमने एक पैन रख दिया है, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे 2 चम्मच जितना। ऑयल थोड़ा गर्म होते इसमें जीरा डाल दीजिए और साथ में हरी मिर्च डाल दीजिए। हरी मिर्च आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। एकदम अच्छे से भून जाने के बाद ये करी पत्ता लिया है, इसे हम हाथ से तोड़कर डालेंगे ऐसे। और ये आलू को भी हमें नाइफ से कट करके नहीं डालने हैं, ऐसे इसे हाथ से रफली तोड़ के अंदर डालना है। और इस सब्जी का टेस्ट ऐसे ही अच्छा आता है हाथ से तोड़कर डाले हुए आलू से। तो आलू को हमने डाल दिया है, अच्छे से इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे। इसमें ज्यादा ऑयल डालने की भी जरूरत नहीं होती तो भी ये सब्जी एकदम टेस्टी बनती है। और इसमें डालेंगे अब थोड़ा हल्दी पाउडर और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स हो चुका है एकदम अच्छे से। अब इसमें हम पानी डाल देते हैं, 2 कप जितना हम पानी डालेंगे। अब जितनी पतली या गाढ़ी रखना चाहे उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। अभी हमने इतना पानी डाला है, जरूरत पड़ेगी तो आगे थोड़ा डालेंगे। और इसे ढककर हम उबाल आने तक पकने देंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है, देख सकते हैं। और अब हम इसमें धीरे धीरे करके दही डालेंगे। और याद रहे कि दही हमें एक साथ नहीं डालना है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरह धीरे धीरे दही डालते जाइए थोड़ा थोड़ा और चलाते जाइए। और याद रहे कि इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दही आपका फट जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि दही हम इसमें जब डालें तब एकदम चिल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि फ्रीज में से निकाल कर तुरंत ही मत डालिए। ये रूम टेम्परेचर पर दही आ जाए उसके बाद डालिए, नहीं तो दही फट जाएगा। और दही डालते टाइम गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, हाई फ्लेम होगी तो भी आपका दही फट जाएगा। अब थोड़ी देर हमें दही के साथ सब्जी को पकाना है, तो चलाते रहिए इसे। सब्जी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो अब हम इसमें एकदम लास्ट में नमक डालेंगे। आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डाल सकते हैं, और नमक आप लास्ट में ही डालिए, नहीं तो दही आपका सब्जी में फट जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा धनिया जीरा पाउडर, इसमें गरम मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। एकदम कम मसाले में भी ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और हरा धनिया डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एकदम टेस्टी और जल्दी बन जाने वाली दही आलू की सब्जी तैयार हो चुकी है। तो इसे सर्व कर देते हैं। गर्मा गर्म सब्जी को हम बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप एकदम टेस्टी हमारी सब्जी।
तैयार हो चुके हैं। तो आप इसका इसकी ग्रेवी मन चाहे जितनी गाढ़ी या पतली या कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये एकदम नॉर्मल वाली ग्रेवी हमने रखी है। तो फ्रेंड्स तैयार है सभी को पसंद आने वाली दही आलू की सब्जी।